ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली पर्व के मद्देनजर महानगर शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुज गुप्ता, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और शांति सुरक्षा समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में एडीएम सिटी ने कहा कि होली पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी मेल मिलाप एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। प्रशासन त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तत्पर है। शांति व्यवस्था में खलल पैदा करने वालों की खैर नहीं है। एडीएम सिटी ने कहा कि होली के पर्व को सहजता एवं समानता के साथ मनाएं। शांति समिति के सदस्य कमरुजमा अंसारी, डॉक्टर सुधाकर पांडे, सरदार बलबीर सिंह, आदिल अमीन एवं अन्य सदस्यों ने भी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में अपने अपने सुझाव दिए। एडीएम सिटी ने कहा कि होली के मौके पर विद्युत एवं जलापूर्ति अनवरत जारी रहेगी। उन्होंने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बेहतर सफाई व्यवस्था रहेगी। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए कि नाले नालियों से निकाले गए मलबों को अविलंब हटा दिया जाए। इसको समय देते सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। दूसरा अगर आता है वो से शासन से सप्लाई 24 घंटे सर 24 घंटे सप्लाई रहेगी ताकि पानी की किसी प्रकार की किल्लत न होने पाए इस त्योहार पर। दूसरा सफाई व्यवस्था नगरी क्षेत्र में तो नगर आयुक्त जी देखेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में ईओ और वीडियोस सभी देखेंगे इस कार्य को। तीसरा बिंदु है एक्साइज से कि शराब की बंदी के लिए जो आपका आदेश होता है वो समय से 48 आवर्स के लिए बैन किया जाता है सर, रंग वाले दिन के लिए। अच्छा, केवल 24 घंटे के लिए, तो उसका समय से आप लोग आदेश निकलवा लें। इसके अलावा पुलिस अधिकारी भी है, देखते कहीं से कोई सूचना आती है किसी प्रकार के विवाद की तो उसको राजस्व की टीम से लेके उसका निदान कर दे। भूख के संबंध में ज़्यादातर विवाद आता है तो उस भूख विवाद को समय से सुलझा ले ताकि किसी प्रकार की शांति भंग की आ सकता होली के दिन ना। इसके अलावा जो आपकी चयन समिति है होली स्थलों की, जिसके सदस्य हैं कुछ यहाँ पर पब्लिक से लोग आए हैं, आपके नॉलेज में है कोई भूमि विवाद ऐसा जिस स्थल पे कहीं विवाद हो? होलिका दहन के संबंध में जो समिति है जुलूस के रास्ते तथा पूर्व और उस पर रिपोर्ट पुलिस विभाग से आ जाएगी कि आपकी शांतिपूर्ण रहेगी, कितने लोग रहेंगे जुलूस में, ये सारी सूचना जो प्रफार्मा आता है उसी पर ये सूचना आपको देनी होगी। तब इस पर मरम्मत और सफाई के लिए मैं बता दिया यूज वीडियोज और नगर आयुक्त महोदय जल निगम बिजली क्यों हो भी जाए ऐसा उपलब्ध है वो के लिए महानगर की सफाई संवेदियों साहब अपने सफाई कर्मियों को लगाकर सर हमको सही पर जवाब है सर जी। होलिका दहन समिति का जो मंच लगता है पांडे आता है सर, वहाँ माननीय योगी जी आते हैं ठीक उसके सामने अभी कूड़े लगे हुए हैं। मेरा 4-5 दिन से वहाँ के मेट को मैंने सूचित भी कर दिया, फिलहाल अभी तक टूटा नहीं इसमें। नगर वहाँ से आए सहायक जबरन चंदा है या पर्टिकुलर मनी की डिमांड कर रहा हूँ कि इससे कम चंदा नहीं लेंगे, तो ऐसे लोगों की शिकायत थाने संबंधित थाने को दीजिए, ये जबरदस्ती चंदा वसूल है। असली पोस्टर कैसेट द्विवर्ती गाने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विचार तो इसको पुलिस विभाग देख लेंगे, अपने अपने क्षेत्र में थाना अध्यक्ष देख लेंगे कि इस तरह का कोई कैसेट या द्विवर्ती गाने या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न किया जाए। समस्त संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण कर सतर्क दृष्टि रखे जाने के संबंध में विचार। ऐसे कोई संवेदनशील स्थल है जहाँ पर झगड़े की संभावना है, कोई हिस्ट्री वगैरह रही हो वहाँ की? नहीं सर, जरूर जब निकलता है तो दो बार दिवाली संवेदनशील और मिर्जापुर के आगे जो कर्बला स्थान है सर, वहाँ एक दो बार इस तरह के विवाद हुए हैं। मीटिंग बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। मादक द्रव्यों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। मस्जिद के आसपास रंग इत्यादि खेलने संबंधी विचार विमर्श सभी शांति समिति की अभी बैठकें जहाँ पर हो चुकी है बहुत अच्छा है, जहाँ नहीं हुई है उसे प्रायोरिटी पे कर लिया जाए और ये सभी में मैसेज दे दिया जाए कि
कि मस्जिद के आसपास या मुस्लिम समुदाय के लोग जो होली का पर्व नहीं मनाते हैं उन पर किसी प्रकार का रंग वगैरह ना फेंका जाए, ये अपना इसका जरा देख लिया जाए कि किसी की भावना को हाथ करने का त्यौहार नहीं है, ये खुशी का एक त्यौहार है और इसमें किसी प्रकार का रंग में भंग ना पड़ पाए, तो इसको हम लोग को अपने आचरण में लेना होगा और सभी को जो शांति समिति की बैठक में अवगत कराना होगा कि इस पर विशेष ध्यान रखें, हर मोहल्ले में हर जगह जो भी आपके जागरूक समिति के सदस्य हैं वो सब इसका प्रचार भी कर दें कि किसी प्रकार से किसी की भावना को ठेस न पहुँचाए। वो सब घर जाएंगे तो मतलब जो सुबह स्थान पर गाड़ी का नंबर पर और जो लटके हुए बिजली के तार वो श्रीमान जी जे और दोनों हो जाते वक्त रंग कैसा है रंग एक्सेल बिल्कुल की तरह के पाली अपनी टीमें लगा के कहीं ऐसे झूठते हुए तार या बहुत नीचे आ रहे हैं उनको टाइट करवा दीजिए समय से पहले ताकि कोई किसी प्रकार की रोड कुछ क्षतिग्रस्त। बारे में आपने कहा है देखिए आधे मरीज हो चुके हैं शुगर के और इसमें किया जाए कि कहीं बाजार में सर का रंग तो नहीं आ गया है इससे जो है जनता में जो है उसका बुरा असर पड़े। फूड इंस्पेक्टर आए हैं अपने फूड विभाग से? हाँ डीओ साहब ये देख लीजिए तो मिठाइयों वगैरह पे जो खोए का मिलावट वाला सामान है उन सबको आप चेक करके और उनका सैंपल लेके उनका जो भी जुर्माना है हमारे यहाँ दीजिए वो करने के लिए।